Hi guys, welcome to the session. My name is Narendra Kumar and today's topic is how to solve para jumbles in seconds actually. ठीक है, आप सबको पता है कि मेरी क्लास में सेकंड्स का गेम चलता है, तो वी ऑलवेज प्ले द गेम ऑफ सेकंड्स. ओके, आज का टॉपिक है हाउ टू सॉल्व पैरा जंबल क्वेश्चंस. यार ये दिस टॉपिक यू नो वेरी क्रिटिकल, वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली. एवरी एग्जाम यू नो एसएससी एग्जाम एंड बैंक एग्जाम, आरबीआई, एसबीआई, आईपीएस, इंश्योरेंस एग्जाम, कैट एग्जाम, जीमेट एग्जाम, एवरी एग्जाम आज क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस टॉपिक एक्चुअली. ठीक है, हम सबको अवेयर है, वी कॉल इट सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जंबल्ड पैराग्राफ, पैरा जंबल्स, डिफरेंट डिफरेंट नेम, द स्टोरी सेम. ठीक है, इन बैंक एग्जाम बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हुआ है, तो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द सम बेसिक रूल्स. ठीक है, विच विल अप्लाई ऑन ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, एसएससी क्वेश्चन, ओके, कैट एग्जाम, यस, आरबीआई एग्जाम, यस, एसबीआई, यस, इन एवरी एग्जाम दीज ट्रिक्स गोइंग टू हेल्प यू एक्चुअली. ठीक है, सो आर यू रेडी? कितना लोग आ गया, चलो चेक करते हैं. ऑल राइट, चेक करते हैं कितना लोग आ गया. ऑल राइट, ठीक है. हेलो बिल्ला, दीप शिखा, विप सर, शिखा, गोलू पांडे, ओके ओके, ठीक है. सर आपके वीडियोस देखिए अच्छी हैं, समझ आ रहा है अब तक. मोहित, ऑसम, ठीक है ना. आई एम हैप्पी दैट यू नो फाइनली यू आर कन्विंस्ड. नाउ डू वन थिंग, वॉच इन प्रॉपर ऑर्डर. आज का सेशन छोटा सा सेशन है ये, और आज मैं आपको क्विकली रिवाइज कराने वाला हूँ, और फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो मेरे साथ चलो. आर यू गाइस रेडी गाइस, द गेम्स ऑफ सेकंड, आर यू गाइस रेडी फॉर द गेम ऑफ सेकंड्स. ठीक है, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट. तो बिफोर, ठीक है, गुड आफ्टरनून सर, पढ़ाई चल रहा है. ऑल राइट, मैं आप लोगों से बातें करूंगा बाद में, लेटर ऑन. ठीक है, ग्रुप में आ जाना, इंग्लिश वाई नरेंद्र सर चैनल अनअकैडमी. ऑल राइट, द टेलीग्राम चैनल, ओके, और दिस इज आवर चैनल अनअकैडमी स्टूडियोज वॉल्ट. ओके, प्लीज सब्सक्राइब एंड लेट एवरीवन नो कि हम लोग क्या यहाँ मैजिक करते हैं. सबको बताओ कि यहाँ पे एक मैजिक चलता है, ठीक है, और फ्री में चल रहा है. लेकिन अगर सबसे बेस्ट मैजिक देखना, आपको भी मैजिक सीखना है, तो आप पे करने के बाद में प्लस पे आ जाना, कूपन कोड मैंने सबको बता रखा है. चलो, दिस इज माय इंट्रोडक्शन, माय नेम इज नरेंद्र कुमार, एंड ये देखो दो स्टोरीज हैं. ठीक है, फॉर ऑल दोज गाइज जो यहाँ पे फर्स्ट टाइम वॉच करने आता है, उनके लिए इन्फॉर्मेशन है कि मैं वी हैव टू स्लॉट्स, 12 to 1 एंड 9 to 10 PM, आफ्टरनून और लेटर इवनिंग. ठीक है, सब्सक्राइब कर लो एंड मेरा प्लेलिस्ट को चेक कर लेना आप लोग, यू कैन अटेंड ऑल द क्लासेस. ओके, दीज आर द टॉपिक्स, मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, प्लीज यू नीड टू वॉच. आई होप द ओल्ड स्टूडेंट्स सबने देख लिया हो, लेकिन कोई कमेंट नहीं कर रहा है, तो दिस इज नॉट डन. ठीक है, आई वॉन्ट टू नो कि कितने लोगों ने वॉच किए हुए ये टॉपिक्स. ओके, ये मेरा कोर्स पेज है, ठीक है, ऑन अनअकैडमी प्लस. तो जो लोग मेरे साथ में मैजिक सीखना चाहते हैं, यहाँ तो मैजिक मैं करता हूँ यूट्यूब पे, लेकिन मैं चाहता हूँ आप भी मजिशियन बनो, और उसके लिए आपको एक ना सारा ट्रिक्स मेरा कॉपी करना पड़ेगा. यू हैव टू टाइम स्पेंड विद मी मोर. तो ये वाला पेज पे आप आ जाओ, ठीक है, जो भी पेमेंट होता है ये कूपन कोड लगा देना. जितना जल्दी आ जाओगे उतना जल्दी मजिशियन, उतना बेस्ट मजिशियन आप बन जाओगे. दैट्स इट, आई हैव नथिंग टू से, आई रेस्ट माई केस. ऑल राइट, ठीक है, 6 months, 1 year जितना सब्सक्राइब कर सकते हो कर लो. आओ ये वाला स्टार्ट करते हैं, ठीक है. हेलो, ऑल राइट, दोज गाइज हु हैव वॉच दिस सेशन ऑलरेडी, ठीक है, दे विल रिलेट टू इट. नाउ आई वॉन्ट यू टू बी प्रिपेयर कंप्लीटली, ठीक है, लिसन टू माई स्टोरीज ऑल ओवर अगेन एंड देन सॉल्व माई क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स. ठीक है, 3 seconds, 10 seconds, 15 seconds, 20 seconds, 60 seconds, बट नॉट मोर देन 1 minute, नेवर नेवर एवर. ऑल राइट, चाहे चलो आओ स्टार्ट करते हैं. ओके गाइस, अच्छा संध्या ने वॉच कर दिया है. संध्या, यू हैव डन द गुड जॉब एक्चुअली, एंड यू नो कि आपने कितना सीखा हुआ है. ठीक है, सो थैंक यू सेल्फ दैट यू आर ट्राइंग एवरी डे, स्माइल एंड बी हैप्पी. ऑल राइट, ओके, सो जंबल्ड पैराग्राफ, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, हाउ डज इट लुक लाइक. ठीक है गाइज, ठीक है, वी हैव अ पैराग्राफ, एंड वॉट इज अ पैराग्राफ? पैराग्राफ इज अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है, रिटन मीनिंगफुली, ग्रामेटिकली, यू नो लॉजिकली टुगेदर इन ऑर्डर, इन ऑर्डर वे. ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ पैराग्राफ. बट एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर क्या करता है कि जो ऑर्डर है उसको डिस्टॉर्ट कर देता, चेंज कर देता है. वी नीड टू री ऑर्डर द गिवन पैराग्राफ, गिवन सेंटेंस एंड मेक अ मीनिंगफुल पैराग्राफ, और वो हमको करना होता है. ठीक है, बेसिकली द एग्जामिनर वांट टू चेक आर नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, तो मैं आपको क्या करूंगा, नॉलेज तो हम लोग कर ही रहे हैं, आई होप यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर, बट उसके बाद मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा कि आप चुटकियों में सॉल्व कर सकता है. आज हम लोग चीटिंग करने वाले हैं, अगेन विद इन सेकेंड हम लोग चीटिंग करने वाले हैं. आई थिंक सब लोग आ गया है. प्रीति, हेलो.
तो गाइस तो सुनो कैसा होता है, नॉर्मली ए बी सी एंड डी, सपोज बेसिक स्टोरी, चार से पांच सेशन बनाने वाला हूं, सो प्लीज रिलैक्स, ठीक है, डायरेक्ट टफ स्टोरी मत किया करो, पर सिंगल स्टोरी में, ठीक है, यू वांट टू बी द वर्ल्ड चैंपियन ना, तो अपने गली मोहल्ले से स्टार्ट करो, ठीक है, गली मोहल्ले में जो स्ट्रांग बंदे हैं पहले उनको पंच मारो, फिर अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पंच मारो, स्टेट लेवल पंच मारो, नेशनल लेवल, देन इंटरनेशनल लेवल, ठीक है, सीधा जा करके तुम बटिस्टा से, जॉन सीना और अंडरटेकर से टकराओगे ना, बहुत बुरा हाल हो जाएगा, सो नेवर डू दैट, डिस्करेज हो जाओगे, ऑल राइट. So actually we are given, let's say, four or five sentences. ठीक है, four or five sentences. And these are jumbled, not in proper order. We are supposed to order them logically. So what we do? What you do? Normally बंदा क्या करेगा, ठीक है, okay, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, पता नहीं कौन सा वाला हो सकता है. All right? लेकिन आप क्या देखोगे, okay, all right. ये मेरी स्पीड से मैच नहीं कर पा रहा है स्क्रीन. All right. ठीक है, हम लोग गैस मारता रहता है, दिस माइट बी ओपनिंग, दिस माइट बी ओपनिंग, हे दिस माइट बी ओपनिंग, वी आर नॉट श्योर, आई टेल यू सम स्टोरीज, यू विल बी श्योर एक्चुअली. ठीक है, आई डू नॉट ट्राई टू फाइंड आउट द ओपनिंग सेंटेंस, एक्चुअली आई डू अपोजिट, आई रूल्ड आउट ऑल द सेंटेंसेज विच कैन नेवर बी द ओपनिंग सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ, आई इलिमिनेट ऑल द स्टोरीज, ठीक है, विच कैन नॉट बी द ओपनिंग वन, एंड हाउ डू आई डिसाइड, आई एम गोइंग टू टेल यू. ठीक है, यू विल लुक एट अ सेंटेंस, यू आर लाइक, हे मैन, यू कैन नेवर बी द ओपनिंग सेंटेंस बिकॉज देयर इज अ प्रॉब्लम विद यू एंड आई नो प्रॉब्लम. आप डॉक्टर बन जाओगे, आप उस सेंटेंस को देखते पे चलोगे, हे तेरे को ये प्रॉब्लम है, समझा कि नहीं, तेरे को कैंसर है, तेरे को पीलिया है, तेरे को आंखों का प्रॉब्लम है, तेरे को नाक का प्रॉब्लम है, तुम तो तुरंत पहचान लोगे. तो वॉट आई डू, आई नेवर ट्राई टू फाइंड आउट द ओपनिंग सेंटेंस इन द फर्स्ट स्टेप, आई इलिमिनेट द गाइज, I eliminate the options. All right. For some reason, this ruled out, this ruled out, this ruled out, this ruled out. Which is the opening sentence? Now, this is the only left. So, this is the opening sentence. Okay. So, now my approach is, first I will eliminate. Okay. First I will eliminate the options. Okay. Then, humko kaun mil jayega? The opening sentence. And I have in my phrase connector classes, I have already taught you. Ki not, okay. Whenever you read a sentence, na, not all words are important. There are some grammar, is a more possible, has a, but these are the grammar, these are not important words. The United Nations, the climate change, the Modi ji, the Barack Obama, okay, na? The Ganga, the Himalaya, these are the keywords. So look for these keywords. So what do we do with these keywords? What do we do? Okay, two sentences are written together because they have something in common. दो लोग बेस्ट फ्रेंड तब होता है बिकॉज उनके अंदर कुछ ना कुछ कॉमन बातें होती हैं. दे शेयर सेम इंटरेस्ट, सेम थॉट, सेम रिलेशनशिप गोल्स, ठीक है ना, एनीथिंग, दैट्स वाई दे आर फ्रेंड्स. सेम गोज विद आर सेंटेंसेज, टू सेंटेंसेज आर रिटन टूगेदर मैंडेटरी पेयर्स बिकॉज दे हैव समथिंग इन कॉमन, मीन्स दे हैव समथिंग इन कॉमन एलिमेंट, कॉमन कीवर्ड्स. सो वी विल लुक फॉर द कॉमन कीवर्ड्स एंड देन वी विल लुक मैंडेटरी पेयर्स. तो वी हैव दिस स्ट्रक्चर, फर्स्ट इलिमिनेशन ऑफ द सेंटेंसेज, यू आर गिवन फाइव सेंटेंस, यू विल इलिमिनेट, इलिमिनेट, इलिमिनेट. आई विल टेल यू हाउ टू इलिमिनेट, जस्ट वेट फॉर नेक्स्ट फाइव मिनट, नेक्स्ट ओके, ठीक है, वी विल इलिमिनेट फॉर सम रीजन, ठीक है, देन लोकेट द ओपनिंग सेंटेंस. ऑफकोर्स आउट ऑफ फाइव आई हैव इलिमिनेटेड फोर, वी आर लेफ्ट विद ओपनिंग सेंटेंस, दिस इज माई ओपनिंग सेंटेंस. नाउ रीड ओपनिंग सेंटेंस एंड लुक फॉर इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, वाई, बिकॉज आई वॉन्ट टू लुक फॉर द नेक्स्ट सेंटेंस. तो जो ओपनिंग में बात लिखी है वही बात कंटिन्यू कर रहा होगा हमारा, द नेक्स्ट वन, मैंडेटरी पेयर, ऑलराइट, then we will make mandatory pair. Is it clear now? Itna clear ho gaya? Now let's discuss this part in detail. Elimination of sentences. How can we eliminate? How can we eliminate? Ab jo first time watch kar raha hai, sir aap kaise cancel out kar sakta hai? Out of five, how can you just do that? This is illegal. Theek hai? The police will, the CBI will arrest you. Aap illegal kaam kar raha hai. No. I will tell you the story. Okay? Chalo. How to eliminate? Guys, listen to my story quickly. It's a short session of 30 minutes or 25 minutes. Okay? I have already created a video of 1 hour length. Okay? On this platform, Jumbled Paragraph Tricks. Please watch that video also. Today, main aaj repeat kar raha hu and I have some new questions for practice. Tomorrow, I'll come up with the new questions again, the difficult ones. Okay? So, trust and practice. That's it. Okay, guys. So let's discuss the how to eliminate out of five. How can I just eliminate four sentences randomly within seconds actually? Okay, guys, the first trick is
personal pronoun. Remember, he, she, it, they, them, this, that. These words never appear in the opening sentence. Okay, I'm आपको बोल रहा हूँ. Prime Minister Narendra Modi is going to be live on Discovery Channel. ठीक है ना? On an adventurous journey. तो Prime Minister Modi. And then there is a sentence. He is the only Prime Minister who will be live on such an adventure. The sentence he can never be the opening sentence because it contains pronoun. So whenever you spot a pronoun, just rule it out. Walk away. Shoot it. All right. Okay. Demonstrative pronoun. This, that, these, those. This, that, these, those always represent something. Listen, my opening story is always complete. Opening sentence should never be incomplete. All right. Okay. I'm bol raha hu. The teacher of English was wearing a watch. The teacher of English was wearing a watch. Then full stop. Now we have a second sentence. This was very costly. This was very costly watch. Okay. So this has been used for the watch. The sentence containing this can never be the opening sentence. It always give the reference to some noun or pronoun. Got it? So whenever you encounter this, that, these, those, you will rule out. Okay. Acronym approach. Short form and full forms. Prime Minister Narendra Modi, full form. Mr. Modi, short form. Short form will never appear in the opening sentence. That's it. ठीक है ना? Climate, मैं आपको बोल रहा हूँ, the Election Commission of India and then the ECI, full stop. Reserve Bank of India, RBI, short form will never appear in the opening sentence. We can rule out the short forms as well. All right. Okay, article approach, very critical. So, मैं आज आपको जो बता रहा हूँ, सब कुछ अभी use करने वाले हैं. We are going to use all these tricks, ठीक है? In our examples, article approach, guys, A and are general articles. They introduce an idea, a thought. But article the always gives back the reference to something. मैं बोल रहा हूँ, the teacher of English was wearing a watch. The teacher of English was wearing a watch. Full stop. Then second sentence. The watch was very expensive. Okay, that means I'm talking about the watch actually. So article the का एक use होता है कि it always refers back to something. So that means we will always doubt an article the. But the Himalaya, the Ganga, the Mahabharat, this is okay. This is mandatory part. The US, the UK, this is mandatory part. But if there is a he was wearing a black T-shirt. The teacher of English was wearing a black T-shirt. Full stop. The T-shirt was very dirty. The T-shirt means the same T-shirt we are talking about. We are using article the. I hope you are convinced. Whenever you find the article, just doubt and clarify. We will eliminate. हाँ, देखो राहुल ने बहुत अच्छी बात बोली. Rejection as first love at first sight. Now, rejection as first sight. I loved it. All right. Transition word. Okay. But and also, ठीक है ना? And along with, as well as, furthermore, moreover, however, these are the words. They never appear in the opening sentence. They appear in the second, third, last sentence, but never appear in the opening sentence. I call them transition words. So whenever you find out furthermore, या फिर moreover, besides, you will rule out that sentence. You will not read the sentence because that sentence can never be the opening sentence. Are we clear? Or five clear? If all five clear, please type five. Please type five in comment section. I would know that all clear. Please let me know. Guys, there are 41 guys right now live. ठीक है? सबको share कर दो quickly. मैं अभी questions कराने वाला हूँ. At least 10% को share करो. At least 10. Okay. Now और भी हमारे पास में. Order of events, time sequence. ठीक है मैं आपको बोल रहा हूँ 1970 एंड देन मैं आपको बोल रहा हूँ 1980 तो 1980 बाद में आएगा 1970 पहले आएगा ठीक है द टाइम सीक्वेंस द टाइम क्रोनोलॉजी अप्रोच ओके हाइपोथेसिस एंड थ्योरी बी इंट्रोड्यूस अ कॉन्सेप्ट फर्स्ट देन बी गिव एग्जांपल ठीक है बी इंट्रोड्यूस अ कॉन्सेप्ट फर्स्ट देन बी गिव एग्जाम्पल हाइपोथेसिस एंड थ्योरी एग्जाम्पल ऑल राइट नाउन प्रोनाउन अप्रोच वेरी इंपॉर्टेंट Everybody, noun pronoun approach. Prime Minister Narendra Modi went on an adventure trip on Discovery Channel first. Then Mr. Modi was wearing a muffler and a jacket. And then he was,
he is the only prime minister who has done this. So we have Prime Minister Modi, then Mr. Modi, and then he. So remember, the order will be noun, Prime Minister Narendra Modi noun, then P, pronoun he, then Mr. Modi noun. NPN approach. All right. Modi, Modi pronoun, no. Modi pronoun and Modi. Are we clear? जो लोग मोदी जी को पसंद नहीं करते तो वो क्वेश्चन छोड़ के मत आ जाना कि नहीं मैं मोदी जी को पसंद नहीं करता उनका क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व नहीं करूंगा मैं तो कांग्रेस राहुल गांधी वाला हूं ऐसा मत करना ऐसी जिद मत करना ओके ये कीवर्ड अप्रोच सेम स्टोरी है और सिग्नल इंडिकेटिंग वही बिसाइड्स मोर ओवर फर्दर मोर ठीक है हाउएवर दीज आर द वर्ड्स सिग्नल इंडिकेटिंग वर्ड्स कॉज एंड इफेक्ट एंड एटसेट्रा ओके नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चंस गाइस आर यू रेडी फॉर सेकंड्स ठीक है टुडे दिस इज द गेम ऑफ सेकंड्स ठीक है तो आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन सेकंड यू ऑल्सो सॉल्व लेट्स ट्राई ठीक है आई विल कम अप विद अनदर सेशन फॉर डिटेल्ड स्टडी ऑलराइट सो आपको समझ में तो आएगा पक्का और क्लैरिटी के लिए कल फिर से आना टुमारो सेम टाइमिंग ओके गाइज यू आर गिवन ए वी एंड सी यू आर गिवन ओनली थ्री सेंटेंसेस एंड यू आर सपोज टू कनेक्ट देम Or within second actually. How would you do that? You will look for pronoun. He, she, ruled out. This, that, ruled out. However, but, and, ruled out. Article, the, ruled out. Alright? Then we will use options and boom, we will get our answer. Okay? Banking mein options nahi aata. We do not get options. I will teach you how to solve banking as well. Today, this is a general concept. So please don't mind it. First learn concept, then we will do the questions. Okay? Respect the process. Respect the process. Respect the process. All right. On Monday, the secretary. Hey, the secretary. Who secretary? Which secretary? I don't know any secretary. Please give me the name of secretary. You first introduce the secretary. Do not just say the secretary. I don't like the secretary because I don't like article the. Maybe there is a secretary, there is a name which will be mentioned earlier. Then we will use article the. So this is ruled out. U.S. Secretary Study of Lincoln. This is the person we are talking about. That's why this one is ruled out. Are we clear? Okay. Clinton, short form. Hillary Clinton, full form. Clinton, short form. Short form. This one is ruled out. Only this one can be the opening sentence. All right. So V will be our opening sentence. Okay. So we have this option or this option. BC or BA. Clinton arrived. Arrived, keyword, and arrived. All right, I will erase this part. Okay, article the ruled out. This is the thing. Okay, and arrived, or this short form ruled out, article the ruled out. This is opening sentence. And what should be the next one? The mandatory pair, arrived and arrived. So, BC is a mandatory pair. Are we clear? कितना सेकंड में सॉल्व किया था आप लोगों को 3, 5, 7, 7 नॉट मोर देन 10 seconds सॉरी अगर आप 10 seconds से ज्यादा टाइम ले रहा है यू नीड टू रीड मोर वॉच माई वीडियोज एवरी डे यूएस हैज बीन यूज एज एडजेक्टिव गाइज यूएस हैज बीन यूज एज एडजेक्टिव सो वी विल नॉट काउंट दैट नाउन US trade, which trade? US trade, which trade? Chinese trade, which trade? India trade, all right? Indian trade. So it's an adjective. Please don't mind that. Okay. Question number two. Ready? The former act. Hey, which act? Former or later? Please introduce na which act? Okay. I don't know the former. Give me the name na. All right. So this is ruled out. Okay. Okay. Freedom. Okay. Many measures of the government. Hey, which government? Which government? Indian government, Chinese government, US government, UK government? I don't know. Please give me the name. Article the ruled out. The British government. Yeah. Now I have a smile. I have a smile. The British government. This one ruled out. This one ruled out. Two of these. Hey, what these?
Give me the story. I'm telling you, these are very expensive. आप कहोगे, हाँ सर, क्या expenses? Give me the story ना. Please give me the name. आप क्या expensive बता रहे हो? Are you talking about your specs? Are you talking about your watch? Please give me the name. Okay? This is ruled out. This is ruled out. This is ruled out. Only three can be the opening sentence. All right? Correct answer. If you are a SSC aspirant, if you are a CAT aspirant, you can solve these questions within second, because in CAT or SSC exam, CDS exam, you get options. But if you are a banking exams, stay strong. Wait for my next video. Wait for my next video. All right. Suhasmita, correct. Yes. Next. Okay. By reasoning, we mean which reasoning? मैं आपको बोल रहा हूं इंटॉलरेंस. मैं आपको बोल रहा हूं बाय इंटॉलरेंस वी मीन. अरे आप बोलो सर इंटॉलरेंस, फर्स्ट प्लीज इंट्रोड्यूस द इंटॉलरेंस, तब तो एक्सप्लेनेशन करेगा ना. एग्जांपल नहीं आता है, फर्स्ट क्या आता है, थ्योरी आता है, थ्योरी हाइपोथेसिस अप्रोच. ऑल राइट. सो ट्रांजिशन वर्ड एंड बट सो हाउएवर फर्दर मोर मोर ओवर बिसाइड्स नाउ. ठीक है, दिस रूल्ड आउट, दिस रूल्ड आउट क्लियरली. The transition word again ruled out. Only this will be the opening sentence. All right. Correct answer C. ठीक है, we will discuss. Logic means if we take its original meaning, the science of valid reasoning. So this is introductory. This is introducing a topic. All right. Then by reasoning we mean that mental process. Are we okay? How many seconds? 3, 4, 5. All right, guys. 3, 4, 5. बड़ा सा लग रहा है, बहुत बड़ा लग रहा है. 10 सेकंड, 15 सेकंड, आप बताओ, नाम बताओ. आप ही खुद ही करोगे, आप लोग करेगा. ओके गाइस, कमर्शियल रियर चिकन कैन बी अनयूजुअली अग्रेसिव. अग्रेसिव, वेरी अग्रेसिव. लुक फॉर द एडजेक्टिव, लुक फॉर द नाउन्स, फॉर कीवर्ड्स. ऑलवेज कीवर्ड मींस नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स. क्लियर. Commercially reared chicken can be unusually aggressive and are often kept in darkened shades. Darkened मतलब अंधेरा, अंधेरा, अंधेरा कायम रहे. All right. To prevent them from pecking at each other, the words it spends. The words, I don't know which words. Article the. In low light condition. Low light means. Low light means darkened shades. कोई तो नाता है, तेरा मुझसे है नाता कोई, समझ गया. लगता है डार्क शेड चल रहा है. दे बिहेव एज बेलिजरेंटली. बेलिजरेंट मीन्स अग्रेसिव. दीज टू सेंटेंस विल कम टूगेदर नो मैटर वॉट, वॉट एवर हैपन्स इन द इन दिस यूनिवर्स. दीज टू सेंटेंस विल कम टूगेदर बिकॉज दे हैव समथिंग इन कॉमन. दे आर डिस्कसिंग सेम टॉपिक. फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन. ऑल राइट. All right. So this is the correct answer, BD. Suhasmita, please check your answer. In an experiment, aggressively head pecking was allowed but eliminated among the words. No. Oh, okay. Yes. Check karte hain. B. In low light condition, they behave less belligerently but are more. Aisa guys, check karo isme se kaun sa wala jayega hamare paas mein. आराम से आप चेक करते हैं, रिलैक्स होके. डाउट हो रहा है सबको. इन लो लाइट कंडीशंस दे बिहेव लेस एग्रेसिवली आर मोर प्रोन टू ऑप्थाल्मिक डिसऑर्डर एंड रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स. ओके. एंड देन ऑल्टरिंग द वर्ड्स एनवायरनमेंट बाय एडिंग बेल्स टू वुड टू देयर पेंस कैन वर्क वंडर्स. ओके. अच्छा गाइज, सॉरी, मैं डायरेक्शन बताना मैं भूल गया आपको. दिस इज ओपनिंग सेंटेंस. सॉरी, गलत हो गया आप लोगों से. वी मिस द डायरेक्शन. My bad. I thought आप समझ जाओगे. One is given A, V, C and D and this is last. The first, sorry, this is my bad. और मुझे लगा आप समझ जाएगा. The direction is already, the first is given and the last part is fixed. Okay? एक मिनट. हाँ, and then we have to jumble the middle ones. A, B, C, D. इसको proper करना था हमको. This is given. कितना लोग समझ गया था डायरेक्शन को. ओके, हेलो, थैंक यू. तो गाइज, दिस इज फिक्स्ड. ओहो, आप चेक करो, दिस इज फिक्स्ड, नो प्रॉब्लम.
डायरेक्शन ना पढ़ो तो देखो कितना प्रॉब्लम होता है. ऑलवेज रीड डायरेक्शन, किसी से भी गलती हो सकती है. ऑलवेज डायरेक्शन एग्जाम्स एंड एवरीवेयर. ऑल राइट, ओके. तो दिस इज फिक्स्ड. कॉमर्शियली अग्रीड चिकन अनयूजुअली अग्रेसिव एंड ऑफन डार्कन शेड. इसका मतलब है नेक्स्ट कौन सा आएगा, ये वाला और ये वाला. ठीक है, तो इट द वन विल बी फॉलोड बाई बी. और बी कहाँ है हमारे पास में, यहाँ करेक्ट आंसर है. इतना बड़ा सा लग रहा था लेकिन 5 सेकंड का 10 सेकंड का वो हमसे गलती हो गया, हमने डायरेक्शन नहीं पढ़ा और डायरेक्शन लिखने की जगह नहीं थी इसलिए मैंने लिखा नहीं है. ओके, इज इट क्लियर नाउ गाइज, प्लीज टेल मी इज इट क्लियर नाउ. द ऑप्शन वन सेंटेंस ए वन इज फिक्स्ड, देन वी नीड टू फाइंड द नेक्स्ट वन. मन का नो प्रॉब्लम. I read the first sentence. Commercially reared chicken can be unusually aggressive means very aggressive. Okay, dark and shade. If you keep them in a dark shade. Next sentence. In low light condition. Low light condition means dark shade. All right. They chicken behave less belligerently aggressive. Are we clear now? We have only B option. ओके फाइव, ठीक है ना, 10 सेकंड में खत्म करें, ओनली 10 सेकंड्स. दीज इनॉर्मस रिवर्स क्वाइट इनकोसेंट. ओके चलो चेक करो कौन सा वाला जाएगा. गाइज दिस कोस्ट दिस वॉच नो 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 दिस दैट दिस दोज नॉट अलाउड नॉट अलाउड. ठीक है ना, यूजुअली. ओके ऑल राइट. एंड It is rich in life. It, pronoun. Pronoun never appear. Pronoun never appear in the opening sentence. It, नहीं हो सकता. This, नहीं हो सकता. तो B और C तो पक्का गया. ठीक है ना? C गया हमारे पास में. कहीं पे B है? A, A और D हो सकता है. चलो. Again. Guys, first and last is fixed. ठीक है ना, ए बी सी डी, दिस इज वॉट वी नीड टू पुट इन ऑर्डर. आई होप समझ गए थे डायरेक्शन. तो गाइज देखो, वन एंड फाइव आर फिक्स्ड. ए बी सी डी, दिस इज वॉट वी नीड टू फिक्स. ओके करेक्ट. सो बताओ, दीज इनॉर्मस रिवर्स क्वाइट इनकॉन्स्टेंट समटाइम्स शिफ्टिंग ऑफन ब्रांचिंग एंड एडिंग इन मैनर्स दैट डिफाई एक्सप्लेनेशन प्रेडिक्शन ओकेजनली कॉज डिजास्टर. कुछ रिवर्स हैं जो बहुत पानी ऊपर नीचे करती हैं और वो सारी एक्सप्लेनेशन सब प्रेडिक्शन को खत्म कर देती हैं, अलग ही बिहेव करती हैं. वन एग्जाम्पल इज एल नीनो. ठीक है, तो ये जो फिनोमेना है उसका एक एग्जाम्पल ये है. दिस इज हाइपोथेसिस थ्योरी और दिस इज एग्जाम्पल. द वन इज थ्योरी एंड देन ए इज एग्जाम्पल. All right. Quickly read करो. A is example. All right. चलो चलो. और सुनो 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 सुनो. ये आपको दिख रहा है कोस्ट ऑफ अमेरिका. कोस्ट ऑफ अमेरिका. और देखो दिस कोस्ट. तो A के साथ में कौन जाएगा? C जाएगा. In A, we have कोस्ट ऑफ अमेरिका. कोस्ट ऑफ कीवर्ड. And in C, this coast. तो these two sentences have something in common. They will come together. All right. Okay, next. So correct answer is this one. ACDB. Next. This is CAT exam question. CAT exam questions. CAT, duniya ka one of the toughest exam in the world after UPSC and, theek hai, UPSC and CAT exam are the toughest exam in the world. And we will solve this paragraph jumble in 10 seconds. In 10 seconds. All right. Chalo. If you know my approach. If you know my approach, guys, first eliminate. Let's do elimination. Okay. So, however, clearly, besides, moreover, these words are transition words. They never appear in the opening sentence. Sorry. So, however, D. This depends on. What depends on? I have no idea. Please tell me the story. What depends? I have no idea. See, this ruled out. All right, however ruled out, so ruled out, CDE, C ruled out, E ruled out, and E ruled out.
correct answer. CAT exam question, you solved in 10 seconds. You are the champion. You are the champion. Believe. Agar problem hai, keep watching my videos. Nobody can stop you from success, from getting success. All right. Suvasmita, correct answer. Seven number. Okay. 1, 2, 3, 4. 10 seconds. Oh. Then two astronomer numbers. Then means transition word. There is always a story then. And then I got the job. You are saying to, you are telling your best friend, then I got the job means you did a lot of things. You attend my classes, you practice mock test, you read a newspaper daily, and then you got the job. So then will come later on in the story, never in the beginning part, ruled out. Okay. His idea. Whose idea? Are you sure whose idea? Do you know the person whose idea? His idea. Who is that person? Ruled out. Two ruled out. One ruled out. All right. Nearly a century passed before this idea was taken. Which idea was taken seriously? Do you know the idea? No idea. Okay? Get an idea. All right. So this cannot be opening. This cannot be opening. This cannot be opening. Only three can be opening. Okay? This ruled out. Okay. Now 3-4, 3-2 or 3-1. Let's find out. Okay. 3. A simple model was proposed in 54 by the Polish priest Nicholas Copernicus. A model was proposed in 1514. Nearly a century passed. 1516 ke baad mein 1614. A century. Time chronology. 1970, then we will use 1980. 1514, then will come the 1614. 100 years after. The time chronology, mandatory pairs. 3-4. This taken seriously. Where is 3-4? Are we clear? Guys, I'm telling you, I'm just teaching you the concept. Do not worry about the level. Attend my next class. I told you already, na? Maybe aapne baad mein join kiya hai. Theek hai? Watch my complete video, you will know what is happening here. I'm teaching you the concepts. If you don't know the concept, na, you will get wrong every time and you will never get the idea. Ab main aapko bada questions karaunga, tab bhi aap aise hi solve karega. Okay? So please wait. Always watch. Yes. Main leke aunga bhai. Main random nahi karata. अचानक से आज मैं आपको एक बड़ा सा क्वेश्चन लेके आता, आप होपलेस हो जाते छोड़ के बाद. नाउ यू विल नो नेक्स्ट टाइम व्हेन एवर यू फाइंड दिस दैट रूल्ड आउट, ही सी रूल्ड आउट, आर्टिकल द रूल्ड आउट, सिमिलरली, क्लियरली, इन ऑर्डर, ठीक है, बिसाइड्स, यू विल रूल आउट दीज ऑप्शंस. अब SBI हो या RBI, SSC हो या बैकेट एग्जाम, क्लियरली और बिसाइड तो सेम होता है ना बॉस. ऑलराइट, ओके, वन मोर. 10 seconds, what do you think? 10 seconds पर कितना पैसा लगाने वाले हो? चलो सट्टा लगाते हैं. आओ भाई, शिल्पा मेरा, यू आर अ सुपर हीरो. थैंक यू. वॉच ऑल माई वीडियो, देन यू ऑल्सो बिकम सुपर हीरो. वॉच ऑल माई प्रीवियस वीडियो, अदरवाइज आई एम नॉट अ हीरो, नो बडी इज अ हीरो. इफ आई कैन चेंज योर लाइफ, देन आई एम अ हीरो, अदरवाइज नॉट. ही अकुमुलेटेड रूल्ड आउट. हिज सैलरी, हुज सैलरी, नो आइडिया. दे ओपन अ शॉप. हु आर दीज गाइज? Who opened the shop? They, no idea. The opening sentence should always be complete. Okay. Later he takes, I don't know, a Russian tailor, the noun, the proper name. This will be the opening sentence. F. Let's find out. He ruled out. Now we have FE and FV. We have two choices in life. आज ये वाली ट्रेन पकड़ लो या ये वाली ट्रेन पकड़ लो, ठीक है, आओ और आपकी लाइफ बन जाएगी. तो गाइज, अ रशियन टेलर आर्टिसन कम्स टू अमेरिका, टेक्स टू द नीडल ट्रेड, नीडल, सुई धागा. वर्क्स इन अ स्वीट शॉप. कीवर्ड, अलर्ट. ओके. ही टेक्स गारमेंट फ्रॉम द स्वीट शॉप.
we have a connection, the soul connection, the mind connection, the body connection. We have a connection. All right. Okay. How many of you got it right? If agar aapko nahi aaya hai, no problem. Guys, watch my previous class on Parajumbal, 1 hour class. And then you are also watching this one. If you watch my story 2 times, 3 times, 5 times, 10 times, you will be the champion. Ek baar mein samajh mein aa raha hai, bahut sare log, achhi baat. Jinko nahi samajh mein aa raha hai, you need to spend more time with me. That's it. You are no different. Samjha ke nahi? You are no different. Just aapko 2-4 baar extra padhna hai. That's it. Never lose hope. Never lose hope. All right. Okay, I'll explain this one. Okay, guys. Now listen. Now, a Russian tailor. Oh ho. Wait. Okay, a Russian tailor, artisan comes to America, takes the needle trade to sweet shop. Okay, then I will read the E. He means Russian tailor. He takes garment from the sweet shop to, okay, sweet shop. So I got this connection. All right, to freezer at home with the help of his wife and older at night. Night hai na, night. Okay, ab uske baad aap dekho. In order to increase his salary, he works through the night. Night. So F. E V E O B night night F or E the sweet shop and pronoun or noun. All right, through the night. And then later he takes the garment and sell it. Later means night ke baad mein ye hamara. Later he takes the garment to sell it to the New York street. Ab wo selling karta hai, sell karta hai. Okay, then he accumulates some capital. Paisa aata hai. पैसा कब आता है? जब सेल करता है. व्हेन यू सेल समथिंग यू गेट द मनी. नाउ क्लियर? Never be cynical. ये कौन है भाई? प्रपेश कुमार साहू. Relax a bit. ठीक है, आपका जजमेंटल लुक है उसको थोड़ा ईजी करो. आई एम टेलिंग यू दीज आर द कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, एक सीरीज यहाँ पे चल रहा है. रैंडम पढ़ाई नहीं होती है. यू वॉच रैंडम वीडियोज, दैट्स वाई यू आर योर ब्रेन इज लाइक, ठीक है ना, मिसगाइडेड. नेवर बी दैट पर्सन. आई एम टेलिंग यू दीज आर द सिंपल स्टोरीज जस्ट बिकॉज द कॉन्सेप्ट. ठीक है, हो सकता है आपको इंग्लिश आता होगा. यहाँ पे बहुत सारे ऐसा बच्चा है जिसको कॉन्फिडेंस ही नहीं है. तो फर्स्ट व्हेन वी सॉल्व इजी क्वेश्चन देन वी गेट कॉन्फिडेंस. वंस वी गेट कॉन्फिडेंस वी कैन, ठीक है ना, क्लाइम एनी माउंटेन. सो प्लीज इफ यू थिंक यू आर स्मार्ट प्लीज लीव माई क्लास. दिस क्लास इज फॉर ऑल दोज गाइज हु नीड हेल्प. ओके ओके. नो ही विल नॉट अंडरस्टैंड इट. Okay, he's already brainwashed or maybe misguided. Okay, let's pray for him. Okay, he will get some sense. I'm telling something, this is the training time, but he's not ready to listen. No problem. All the best. God bless. Okay. Okay. So guys, this was a short video. In the next video, I'll come up with an extra questions. I will increase the difficulty level, and in the next video, I'll increase the difficulty level all over again. ठीक है? तो ध्यान रखो, training करो, मेरे साथ कहानियाँ start करो. Slowly, आप क्या करोगे? बहुत बड़ा वाला question भी कर पाओगे. एक साथ बड़ा करोगे, गिर जाओगे and hopeless हो जाओगे. And in my classes, I don't want everyone to be hopeless. I don't want everyone to be champion. But champion एक साथ overnight नहीं बनता है. कुछ लोग हैं जैसे ये रुपेश है, हो सकता है ये चैंपियन है, सो इग्नोर हिम.
ठीक है, वी आर ऑल ऑर्डिनरी गाइज, तो वी नीड टू रिस्पेक्ट द प्रोसेस. ऑलराइट, यूज माई कूपन कोड नरेन लाइव एंड आज इस ट्रिक से जाकर के सॉल्व करना एंड वॉच माई प्रीवियस वीडियो. ठीक है, आपके पास सिंपल सिंपल क्वेश्चन 100-500 लगा दो. वंस यू आर कन्विंस्ड देन SBI, RBI, IPS, इंश्योरेंस एग्जाम, कैट एग्जाम, वी विल सॉल्व ऑल दोज क्वेश्चन. ठीक है, ऑल द बेस्ट एंड मेक श्योर आप लाइक शेयर और कमेंट करो. इट वॉज शॉर्ट वीडियो, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो पूरा बनाबर का होगा. एंड प्लीज एटलीस्ट 10-15-20-50 लोगों के साथ सॉल्व कर दो जिनको नहीं आता है, जिनको आता है प्लीज इग्नोर दैम. ऑल राइट, ठीक है, कैसा लगा सेशन प्लीज लीव अ कमेंट आफ्टर द वीडियो. एटलीस्ट 10-15 लोगों को सॉल्व करना, बहुत लोगों को हेल्प हो जाएगा. एंड फाइंड माई प्रीवियस वीडियो ऑन दिस चैनल अनअकैडमी स्टूडियो वॉल्ट. एंड आपको और ज़्यादा डिफिकल्ट करना है, ठीक है, आओ वहाँ पर मिलते हैं अनअकैडमी प्लस पे. ऑल राइट, थैंक यू.